हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को कैसे सेट कर सकते हैं अपने इन्फिनिक्स फ़ोन में, और कैसे अपने इन्फिनिक्स फ़ोन में आप क्लॉक टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे अपने इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 HD फ़ोन में क्लॉक टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे सेटिंग्स पे जाकर होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपको सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है, आपको टाइमिंग सेटिंग्स पे भी क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर टाइमिंग का ऑप्शन शो हो जाता है, जो भी आप टाइमिंग वगैरह सेट करना चाहते हैं स्लाइडिंग करके कर सकते हैं, और ओके करते ही टाइमिंग सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को आप सेट कर सकते हैं इन्फिनिक्स फ़ोन में। और सिंपली आप देख सकते हैं कि आप सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं, आपको बस सर्च करना है टाइम, तो टाइमिंग का ऑप्शन आ जाएगा। देख सकते हैं इस पर डायरेक्टली जाकर यहाँ से आप डायरेक्टली जो भी टाइमिंग वगैरह आप सेट करना चाहते हैं होम स्क्रीन क्लॉक का, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग सेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से ऑटोमेटिकली टाइम को सेट करना चाहें तो नेटवर्क के हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं, या फिर GPS के हिसाब से भी, GPS लोकेशन के हिसाब से भी टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियो इसको शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो